क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। आईपीएल 2020 की नीलामी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, खिलाड़ियों के साथ फैंस की भी धड़कनें बढ़ रही हैं। वैसे फैन फॉलोइंग के मामले में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स सबसे आगे है, मगर अब सीएसके के फैंस को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अगले सीजन से पहले ही सीएसके तीन बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है। अब वो तीन खिलाड़ी कौन है आप भी देखिए। तो सीएसके जिन खिलाड़ियों को बाहर करने जा रही है उसमें पहला नाम है मुरली विजय का। एक समय था जब मुरली विजय टेस्ट टीम के सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज थे, मगर इन दिनों वो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। उनके इस खराब फॉर्म का असर आईपीएल में भी साफ दिखाई दिया। 2018 आईपीएल में सीएसके ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2019 में भी सीएसके ने उन्हें शामिल किया। हालांकि मुरली विजय दोनों सीजन में कुछ भी खास नहीं कर पाए। पिछले 2 सीजन में मुरली को केवल 3 मैच में ही खेलने का मौका मिला और अब की बार तो पूरी तरह से बाहर करने की तैयारी है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है केदार जाधव का। 2018 में 7 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदे जाने के बावजूद केदार जाधव सीएसके के लिए बेकार ही साबित हुए, क्योंकि उस सीजन में वो पहले ही मैच में चोटिल हो गए। हालांकि उन्हें 2019 के आईपीएल में इस उम्मीद के साथ सीएसके ने दोबारा शामिल किया कि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं, मगर केदार खुद को साबित करने में नाकामयाब रहे। केदार ने पिछले सीजन में 14 मैच खेले थे, लेकिन उनमें वो केवल 162 रन ही बना पाए। ऐसे में इस बार पूरी संभावना है कि केदार भी बाहर होंगे। इस कड़ी में तीसरा नाम है कर्ण शर्मा का। 2018 में सीएसके ने कर्ण शर्मा को 5 करोड़ रुपए में खरीदा था, मगर पहले से टीम में अच्छे स्पिनर होने के चलते कर्ण को ज्यादा मौके नहीं मिले। इस गेंदबाज ने पिछले 2 सीजन में 7 मैचों में गेंदबाजी की, जिसमें वो कुछ भी खास करके नहीं दिखा पाए। ऐसे में अब की बार कर्ण शर्मा को रिलीज करना सीएसके के लिए सही फैसला साबित होगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।